जमाते इस्लामी हिंद नागपुर एवं भारतीय मुस्लिम परिषद इनके संयुक्त तत्वावधान में नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने एवं 5% मुस्लिम आरक्षण को राज्य में पुनर्स्थापित करने की मांग को लेकर विधानसभा में दस्तक दी। आइए देखते हैं। मोर्चा निकला हुआ है, आइए उनसे जाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। सर बताइए आखिरकार क्या उद्देश्य है? हम लोग जो पूरे देश में खलबली फैली हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, ये बिल और एनआरसी के लिए इसको पूरे हिंदुस्तान से खारिज किया जाए। क्या प्रमुख क्या मांगे सरकार से? हमने कल वजीर आला से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है और उनसे ये कहा है कि जिस तरह अगर 5 स्टेट्स में इसलिए ये बिल और एनआरसी को रद्द किया गया है, उसी तरह से महाराष्ट्र से भी हटाया जाए। नागरिकता को लेकर सर क्या कहना चाहते हो? ये नागरिकता के लिए सिर्फ नुकसानदेह। सर आपका पूरा नाम? शाह फारूक अगवा, आमदार धुले शहर। सर सरकार आपके मांगों को अगर दरकिनार करती है तो क्या रणनीति रहेगी? हम और इससे ज्यादा तीव्र आंदोलन करेंगे। तो तीव्र आंदोलन करने के बाद भी इन्होंने कही है सरकार रहेगी इनके बातों को दरकिनार करती है, मांगे पूरी नहीं करती। तो ये तमाम जो आज भारतीय मुस्लिम परिषद जमात इस्लामी के जो कार्यकर्ता ये सड़क पे उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे और ये सीधा विधानसभा पे दस्तक देने के लिए जा रहे। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरा, इंडिया न्यूज़ नागपुर।